ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا زد له ولا كفوا له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مكرم دوستو بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھی ہو میں نے تھوڑے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتے دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت میرے کو اوندا صحیح صحیح معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے
और इकड़ बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरीकैन को उन्दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। क़यामत अली निहार सब गण पहले इंसान दे ईमान दा तराजू लगने और ईमान दे बारे अल्हम्दुलिल्लाह तुसा बहु कुछ सुन चुके वे और ईमान कण बाद अगर ईमान सही निकल आया तवत इंसान दे अमलां दा तराजू कायम होवणे। इंसान दे अच्छे भी अमल बाज इंसान ओ होवणे उन्हां दे होवणे और बुरे भी होवणे और बाज इंसान ओ हन जिन्हां दे अच्छे ही अमल होवणे बुराई दा नामो निशान नहीं होवणा और बाज ओ होवणे के जिन्हां दे अच्छे अमलां दा नामो निशान ही नहीं होवणा बुराइयां ही बुराइयां होवणियां। इस वास्ते जिवें ईमान दा महफूज करना जरूरी है बचावना जरूरी है दुनिया दे अंदर जो कुछ इंसान अगर त्रुटे फरुटे अमल अगर करेंदे हैं तो इन्हां दा ही इंसान को बचावना जरूरी है। अगर इंसान मेहनत करेंदा रावे तो इंसान की मेहनत जय थी वंजे तो इंसान को कितना अरमान और अफसोस लग दे। दुनिया के अंदर असा नमाज़ ही पढ़ते रहे हो रोजे भी रखेंदे रहे हो आपने ते ही सदका खैरात अल्लाह अल्लाह करो यानी नमाज़ा वाज नसीहत सब कुछ होवे लेकिन आखरत के अंदर अगर वे सारे अच्छे अमाली तबाहो बर्बाद नजर आवेन ता वत इंसान कितना परेशान होवणे। इस वास्ते साकू दुनिया के अंदर जिवें ईमान की हिफाजत जरूरी है अच्छे अमलों की हिफाजत करना जरूरी है। अपनी नमाजा की हिफाजत ही नींद थोड़ी घट कर रहा है हूने ना लाने शुरू थी नमाज की हिफाजत रोजे की हिफाजत तिलावत की हिफाजत अल्लाह अल्लाह करण की हिफाजत करना भी जरूरी है। ये नहीं कि जिवे दुनिया के अंदर कि इंसान दुनिया भी मिसाल लेती हवा ना समझे सोचेंगे अगर हूँ चावल वही है ना चावलों के अंदर अगर दूजा घा पठा निकल आवे तो वास्ते कहे को लद रखन डें दे नहीं कहे को कपण की इजाजत क्यों मलकियत मेरी है। चावलों की हिफाजत के नाल नाल घा की हिफाजत भी करें दे है जरन इंसान ईमान तो बचेंदे पाए है कि कुफर नहीं करना शिरक नहीं करना और वाकियतन नहीं करना लेकिन कहीं सोचे से कि अगर ईमान सारा मजबूत है लेकिन कि थी नमाज जाए तो नहीं थी पाई ईमान दे तो पुख्ता खड़े है पक्के है बस ईमानदार है
रोजा रखते पे है कि थाई साड़ा ये तबाहो बर्बाद तो नहीं पिया होंदा। तिलावत हैं अल्लाह ला करुण है, सदका खैरात है, ये भी नाल सोचने के किथाई ईमान देवते ता डटे खड़े हैं, जेरे अच्छे अमल त्रुटे फुरुटे सारे अंदर मौजूद हैं कि थाई ये भी खत्म तो नहीं थी दे पाए। लिहाजा जिवें ईमान की हिफाजत जरूरी है, अमले सालिया यानी नेक अमलां की हिफाजत करना ही जरूरी है। ये नहीं कि बस ईमान काफी है कलमा पढ़ छोड़े से, एक है कि बिल्कुल ईमान कर बाद अमल साले आदे नेड़े इंसान वेंदा ही नहीं, वो तो इंसान आखिरकार ईमान ही उनका तबाह बर्बाद थी वेंदे। और दूजा इंसान वो है जरा नमाज़ ही पढ़ते रोजे रखते सदका खैरात मैं अर्ज कीते करें दे सब कुछ, लेकिन इंदे मनाफी जेरिया चीज़ा हैं जेरिया इको खत्म कराना लिया हैं, करे उनते ध्यान ही नहीं दिता, ख्याल ही नहीं सही कीता, बस डटे खड़े हैं ईमान दे उते कुफर शिरक बिदात रसूमात इन्हां दे नेड़े ना गया, ईमान मेरा मजबूत है। लेकिन एक कदे नहीं सोचा कि जेरे मैं अमले साले प्या करें ना क्या ए भी अल्लाह दे हां बाकी हिन के नहीं, मैं इन्हां दी हिफाजत ही कीती है या नहीं कीती। चंद अमाल इहो जाए हैं कि जेरा इंसान दुनिया दे अंदर करें दे उन्हां अमाल दे करण नाल इंसान दे नेक अमल तबाहो बर्बाद थी वेंदे। इंसान सोचेंदे मैं नमाज़ ही पढ़ी रोजे ही रखे सब कुछ किए उम्मीद अल्लाह ते रखी है क्यामत निहार इंदा बदला मिलने, लेकिन आसी बिल्कुल सब कुछ राख थी चुका हो सी, अल्लाह रबुल इज्जत एक नेक अमल जाए इंसान दुनिया के अंदर कीते लेकिन उनकी हिफाजत का इंतजाम निस कीता, अल्लाह दुनिया के अंदर अपने कुरान मुकद्दस के अंदर उनकी मिसाल जिक्र की है। गालिबन हुफाज़ कराम मौजूद हैं त्रीजा सिवारा है कि एक इंसान है बुढ़ड़ा है बिल्कुल कमजोर थी चुके, औलाद ही अजन उनकी कमजोर है खट्टन कमावण की नहीं, और उनका जमींदारा भी है बाग बगीचा मौजूद है, हर हिकन कर्जा इस वास्ते चाहिए वदे कपड़े वाले का कर्जा दुकान वाले का कर्जा डूझे का कर्जा, भाई ये बाग पक सी ते मैं तेरे पैसे अदा कर छोड़े सा, ये तेरी मेरी हालत है अल्लाह ते आसमीन रखे चावल थी सिंह तेरा कर्जा अदा करे सा, ते कर्जा अल्लाह ते अदा करने वास्ते तैयार नहीं उशर अल्लाह ये भी इंशाला अर्ज करे सा मैं जिंदगी रही था कि अपना माल पाक को हराम असा किए करार पर दे हैं जबड़े दे पाए हैं हराम असा सिर्फ ऐसी समझी है कि एक नहीं से जरा सारे साल असा हराम खाते हैं ने खाण इंदे भी कि सोचे से उल्टा मतलब नहीं खेलना जब मन के रहो से शायद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल जिक्र की है बुढ़ड़ा है औलाद कमजोर है अजन खट्टन कमावण दी नहीं जहरी आसरा ती उम्मीद वालदैन दी या के होती है जहरी औलाद होती है ना, अल्लाह शाला नेक औलाद अता फरमावे और फरमा बरदार अता फरमावे, एरा होवे बाद दे अंदर खले होवे ना नेक औलाद। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि अगर वह बाग उनकी अखी के सामने तबाह हो बर्बाद थी वजे हूँ तुसा दसाओ कि वह इंसान के दिल के उत्ते के गुजरनी है, अजन औलाद ही कमजोर है सारे कर्जदार ही बाकी हैं उनकी आस ते उम्मीद वह चीज आई। इवें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए वो इंसान जो दुनिया के अंदर सदका खैरात कीता ता है नेकी है कि नहीं सदका खैरात मने देवे ना सदका खैरात तो जायज है हाँ कि अल्लाह के नाते दिता ही ना जायज है बिल्कुल गैर अल्लाह के नाते तो वह ना जायज है ये भी ना जायज है
सदका खैरात कीतेस, लेकिन मौके महल दे उते आए गरीब को कोई काम दसे सी वो नहीं कीता। ई फौरन आके है नमक हरामा, मैं ते को सदका खैरात दिते, पावन दा दिते, पीवन दा दिते, सब कुछ ते को मैं दिते, लेकिन मैं हिक काम दसाए तू करण वास्ते तैयार न है। भाई यो आखोण है अल्लाह रब्बुल इज्जा फरमाए, जिमें ओ उम्मीद रखी खड़ाई बाग दे उते के मेरा बाग फलसी पक्षी ते मैं कर्जा अदा करे सा, अचानक राख थी गए। ए इंसानी दुनिया दे अंदर सदका खैरात तक कीते इहो एहसान कै मौके दे उते अगर जित लैस जा, मस्जिद दे अंदर कै चंदा दिते ते चांदनी वारा बाद मौलवी साहब को जित लैस जा, मेरे ही चंदा इंदे अंदर लगा हुए, मदरसे दे अंदर रिते चांदनी वारा बाद आख हो मौलवी आ तू मेरे को फला ढींगा दे, मेरे इंदे अंदर चंदा है। इहो खोणाई ए तो उम्मीद रखी वे आखरत दे अंदर बदला मिलसी, लेकिन जिन आखरत दे अंदर आसी को राख ही राख नजर आवनी है, यानी सुआ ही नजर आवनी है। इस वास्ते तू और मैं भी उम्मीद रखी वे नमाजा हीन, रोजे हीन, सदके हीन, खैराता हीन, लेकिन करें ये भी ख्याल किते रखने बाकी भी हैं के नहीं। इहो जे दुनिया के अंदर असमल करें दे हैं जेरे इंसान की नमाज ही गई, रोजा ही गया, सदका ही गया, खैरात ही गई, उन्हें भी जो चंद जिक्र करो हूं। एक अमल ओ है कि दुनिया के अंदर इंसान कहदा चंगा खावना, चंगा पावना, चंगा टुरना, चंगा बाहना, चंगा घर, चंगी उदी चहल पहल देख के ते इंसान दिल के अंदर कुड़े अल्लाह को क्यों दीती, मैं भी मौजूद हाँ मैं होर ई अमल दी वजह कोलो इंसान समझे ने मैं नमाजा पढ़दा पिया आखरत दे अंदर आसी सारा कुछ सुआ ही थी चुका हो से इंदा दूजा ना हसद है। अगर हसद पैदा थी गए मौलवी को मौलवी नाल, पीर को पीर नाल, जट को जट नाल, औरत को औरत नाल, अगर बाल बच्चा नाल अगर पैदा थी गए इस वास्ते के या अल्लाह इनको अता की थी इंदा चंगा खावण इनको नहीं भांदा, पावण नहीं भांदा, चलण फिरण नहीं भांदा, दिल दे अंदर हसद आ गए या अल्लाह इनको अता की थी मेरे को अता नहीं वे कीता, अगर मेरे को ना देंदा था इन कहीं सारा तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर फरमाए हसद इहो जी मोहलक बीमारी है कि इंसान को इल्म भी नहीं होता, जिवें सुक्या काठिया को भा खा वेंदी है, ये हसद इंसान ने सारिया नेकियां को खा के रख दी। करे सोचे से खो सोचो सारे मुआशरे के अंदर बीमारी है कि का नहीं ए फलाने दे चावल मर गए ते इंदे क्यों खड़े न, मेरे खत्म थी गए फलाने दे क्यों खड़े न, फलाने दा फसल दबा बर्बाद नहीं थी ते मेरा क्यों है, ये के नहीं इंसान चंगा खांदा पर नमाजी है, रोजेदार है, कहें तो बाल बच्चा कुरान और हदीस पढ़ना लाए ये पिछू कुड़दा है नजारा से, मेरी औलाद निकम्मी थी चुकी है ते फिलाना दे पोतर देखो फिलाना ई है, फिलाना ओ है, फिलाने दे प्यो माकड़ खावण दा कांज है ये गड्डिया ते चढ़ावा दे, फिलाने दे फिलाना पटकाई कांज है ते ये वड़े बंगले वदा पड़े दे, फिलाने कड़ खावण पीवण दा नहीं दो महल्ले वाला कड़ मंगता है नजारा दा है ते ये बैंक बैलेंस बनाई पाए, फिलाने दा प्यो जेरा है पिंदा है नजर आंदा है ते सारा कुछ ओंदे आधन चंगे कपड़े भी आखे कान है ते इंदा ज़मीना देखो इहो इंसान हसद अगर दिलो दिमाग दे अंदर आ गए अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाए तू जहरी हसद पिया करें ने ते को इल्म भी नहीं तेरे नेक अमल तबाह बर्बाद पाए होंदे ने मामूली जुर्म नहीं इंसान और हसद वो मोहलक बीमारी है आपड़ा नाल ही दुश्मनी पैदा थी वेंदी ए के नहीं हसद की वजह को लो अगर वह सिफत होंगी जी साहब कराम के दरमियान है अल्लाह पाके फरमाए रहो माओ बै ना हो आपस के अंदर के है ना अस आपस के अंदर एक बार खाधी वेंदे हैं गैर मुस्लिम कड़ हसद नहीं करना है मुसलमान मुसलमान अगूते वेंदा पाए तो कड़ के करने हसद कर इसलिए अपना इलाज करो ना पहले तो गैर मुस्लिम कण कोई हसद करने वास्ते तैयार ना है अगर मुसलमान है अल्लाह को आज चंगा खावण पीवण दा चहल पहल लीती है तो साकण ओ बर्दाश्त
नहीं होता। और ये वह मोलक बीमारी है कि भिरा भिरा के दरमियान अगर पैदा थी गई है तो उन्हें कोई जुदा करके रख दें दी है, असल बीमारी हो जाइए। मिसाल के तौर पर जेरी सूरत एक आयत में तिलावत की थी, इस सूरत ना क्या है, सूरत यूसुफ है। भिरावत दरमियान के अंदर क्या पैदा होया, हसद हो है ना कि छोटे पुत्र नाल प्यो को शफकत मोहब्बत प्यार क्यों है, असा एडे वे हैं काम करण वाले, असा बकरियां चराने वाले, असा घर दे पालन कट्ठे करण वाले, असा खट्टन कमावण वाले, असा ओ निकम्मा बैठे छोटा है साकण, सारा मुहब्बत प्यार ते तवज्जो बाप दी उंदो ज्यादा है। इहो मुहब्बत दे दरम्यान जेरी या हसद पैदा था ये है, वो अपने ब्यो कणी जुदाई आ गई, भिरावा कणी जुदाई आ गई ई हसद दी वजह कोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरह नाजिल करके तेरे मेरे वास्ते सबक बनाई है, खाली तिलावत वास्ते नहीं, खाली चस्के वास्ते किस्सा ते कहानी नहीं, बल्कि तेरे मेरे वास्ते सबक है कि भिरावा दे दरम्यान ही हसद पैदा था है तो कितनी दूरियां आ गई हैं। लेकिन अल्लाह समझावना ये चाहता है, ओ इंसान आ दुनिया के अंदर तू कह कण हसद पिया करें ने, अगर मैं उनकी इज्जत ना गिरावना चाहवा, सारे दुनिया के पीर, सारे दुनिया के वली, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल मलिक अब सारा कुछ जमा थी वन, जे को मैं इज्जत चा देवा ये ढवावण की कोशिश करें, मरदे मर तो हो सकते लेकिन उनकी इज्जत को दाग ला कर ही सकते नहीं। दुनिया की मिसाल लें, जो रब रखे उनको आखो, जो रब रखे उनको कौन चखे, जिंदी हिफाजत रब कर रहे चाहो उनको कोई नुकसान दे सकता, ये यकीन के नहीं है। जो रब रखे उनको कोई खत्म कर सकता, जो रब इज्जत देवे उनकी इज्जत कोई खत्म कर सकता नहीं, बिरा इन सके। लेकिन हसद ते बोझ आ गया, हसद पैदा थी या बाप को मोहब्बत दे प्यार के वो है, या वो अपने दिलो दिमाग के अंदर सोचे थे भाई सारे अंदर कितनी या है। आखिरकार एक निवारा दिन ओ अब्बा जान असा बिल्कुल वेंदे आए बाहर टुर फिर आंदे आए, मशवरा पे करें ना, पहले तो मशवरा की तौर है ना, टाइम मुख्तसर है, मैं थोड़ा मुख्तसर करें दा, असा कोशिश करें सा आखिर तक पहुँचने की। सब गण पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब दसाया अपने अब्बा जान को, केरा ख्वाब दसाया उन्हें, या आबाते, कितने प्यारे लफ्ज है, ये ओ लफ्ज हैं जेरे जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान को आखे, या आबादे लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युनी अनका शैया। गुफ्तगु दा अंदाज देखो, तेरे मेरे वास्ते सबा के अगर वड़े नाल मुखातब थी होना पवे, इख्तलाफ थी सकते, लेकिन अंदाज खिताबत दा केरा होना चाहिदा है, या अबते इन्नी राय तो अहदा आशारा काओ कबा वशम्सा वल कमरा राय तो हुमली साजदीना। साजदा कमाना के है, सजदा माना के है सजदा करण आला अल्लाह पाक का, और अल्लाह पाक अपने पाक पैगंबर को हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा किस्सा पे वो सुने दिन, अर नजूल फरमाया कुरान मुकद्दस दी सूरत, वगर न अल्लाह दे पाक पैगंबर को तपेरे इलम नहीं के गुजरा यूसुफ और याकूब दे खानदान नाल। मुशरकीन मक्का ता चंद यहूदियां दे उलमा कण सवालात पढ़ के आया हैं, आप तो अनपढ़ हैं, आप तो के हैं अनपढ़ हैं, दूजा कण सवाल पूछ के आए हैं। साडे बस्ती ते शहर दे अंदर एक आलिम यो जिया आया है, क्यों दा मुकाबला कोई करण वास्ते तैयार नहीं, यानी पाक पैगंबर दा दे आए हैं, साको कोई तुसा दा पढ़े लिखे हुए चंद सवाल दसाओ, असा उन्हां दे उते सवाल सटूं
ते जवाब ना दे सके। अगर जवाब ना दे सका तो असोए नौज बिल्ला कूड़ा है, इवें कूड़ वदा पकाइए, इवें जटल वदा सटीए। ओ सच्चे न एक सवाल यो आई, उन्हें सवाल यो समझाया, वनो मुहम्मद नामी शख्स दे उते सवाल करो कि हजरत यकूब अलैहिस्सलात व सलाम दा खानदान तक किनान दा रहना लाई मिसर किवें पहुंचा। उन्हों को तो इल में आई क्योंकि अल्लाह दा पाक पैगंबर तो पहले इतना मौजूद है जो कान्या लियाजाओं को इल्म ही नहीं होना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जे दी कंड ना लगान दे वे बगैर असबाबा दे वे सारा कुछ इंदा इंतजाम कर छोड़ें दे क्योंकि उनको असबाबा दी जरूरत नहीं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व सलाम ख्वाब दी हालत दे अंदर इठा अपने अब्बा जान को दसें दिन अहदा आशा राकाओ का बाप। ओ अब्बा जान मैं यारा सितारे व शमसा वल कमरा एक सूरज ते चन को डिठा राय तो हमली साजिदीन मेरे को सजदा पे करें देन। हजरत यकूब अलैहिस्सलात व सलाम अल्लाह दे पैगंबर हैं, यो जे निशानियां जाना ना ले आएन इल्म ही अपने पुत्र को देन। ओ पुत्रा ख्याल करें ये ख्वाब अपने भरावा दे सामने जहर ना करे क्योंकि अपनी ते महारत यो जे कमाल अल्लाह ने ते को अता करने न यो जे खसूसियत तेरे अंदर रखनी है इनको छुपा के रावी क्योंकि शैतान इंसान दा असली दुश्मन है। उन्दे अंदर ता हसद भरा है कि थाई भिरावां दे दिलो दिमाग दे अंदर ही हसद ना आवे। अगर हसद आ गया तेरे जान दे भी दुश्मन बन वैसे न तेरे माल दे भी दुश्मन बन वैसे न। हसद यो जी बीमारी है। हजरत यूसुफ सलात व सलाम अपने तई नहीं दसा लेकिन भिरावा दे दिलो दिमाग दे अंदर जेरी मुहब्बत अला हसद पैदा प्याऊं दे अपने अब्बा जान को आ देन। अब्बा जान कितना अरसा हो गए असा बहर में दे ये तेरे नाल बैठे तेरे गोरे नाल बैठे ये तो बैठे बैठे निकम्मा थी वे सी इंदे जोड़ ते संद इंदे बंद थी वे सन कुछ टुरदा फिर दारा व्या वर्जिश करे सी मेहरबानी कर सारे नाल भेज ये टुर सी वे फिर सी चल सी फिर सी मेवा जात खासी। लेकिन अब्बा जान को तो इल्म नहीं के रहे दिलो दिमाग दे अंदर सोच आयन अलहदा मशवरा करके आयन जिथा पहले मशवरा ए प्या थी दाई एक आदाई दाई वास्ते जरूरी है निकतोलो यूसुफा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व सलाम को कतल कर देवो ता बाप दी तवज्जो सारे तरफ आवे सी एक आखन लगा नहीं नहीं कतल ना करो बल्कि को अंधे खूह दे अंदर सट देवो। मशवरे मुख्तलिफ किस्म दे होंदे पाएन लैदा थी के पैगंबर अल्लाह दा हजरत यकूब अलैहिस्सलात व सलाम। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलात सलात व सलाम को इल्म नहीं मेरे बाए बचड़े केरा मशवरा पाए करें देन। सारी मुहब्बत दे दरमियान आड़ बन बनन दी वजह को लोग के कुछ नहीं पाए करें दे कोई इल्म नहीं। अल्लाह ने मसला समझावनाई पर्दा दे विचू ओड़ दे विचू गैब दे विचू देखना ते जानना के दी सिफाते खेती सिफा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सिफा दे। हर जात देखना हर जात अपने शजा निशान मौजूद होना ये भी सिफाते कहें दे सिफाते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सिफाते। ना कह नबी दी ना कह वली दे ना कह गौस दे ना कह कुतब दे ना कह अब्दाल दे ना कह आमिल दे ये भी झूठे जो फिलाना जवीज लिखण ला के मैं तो फिलानी जात में को जिन्नत जरिए नाल इल्म हो गए फला कुछ प्यादा है। अल्लाह दा पाक पैगंबर हज़रत यकूब अलैहिस्सलात व सलाम दूजे कमरे दे अंदर वे गालिबान उथा पुत्र मशवरा बैठे करें देन बिरा यूसुफ को कतल करन दे कोई आदे कतल कर छोड़ो कोई आदे जंगल बेबान दे अंदर छोड़ ले वो कोई आदे को जिला वतन कर छोड़ो कोई आदे नहीं नहीं कतल ना करो। आखिर बिरा जो या यार खूनी रिश्ता है कतल करन दे आदत नहीं। अगर जुदाई भी चाहते वे ताई वे करो इको एक अंधे खूह दे अंदर सट देवो उथाई सटे सो वत जेरा ही मामला पिया हो सी या कोई लंघदा इवे काफलाएं को थों कड़ के घिनवे सी ज्यादा जुलम करण दी तरह जरूरत नहीं क्योंकि आखिर भिराए जींदे को मारो तब बहुत ज्यादा जुलम है।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਨਿਕ ਤੂੰ ਯੋ ਸੋਫਾ ਅਦਿਨ ਕੋਈ ਅਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਦਿਨ ਕੋ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰ ਛੋੜੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਰੁਬੀਲ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਆਖਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਾ ਕਾਇਲ ਮਿਨ ਹੁਮਲਾ ਤਖਤ ਯੂਸੁਫਾ ਵਾ ਅਲਕੂ ਫੀ ਗਿਆਬਤ ਜੁਬੇ ਯਲ ਤਕਿਤ ਹੋ ਬਾਜ਼ੋ ਸਯਾਰਤ ਇਲ ਕੁਲ ਤੋਮ ਫਾਇਲੀਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਜੁਦਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਛੋੜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਕਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਲਾ ਤਮੰਨਾ ਅਲਾ ਯੂਸੁਫਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਨਾਸਿਹੂਨ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਭਾਈ ਤਵਜੋ ਇਹ ਕਰੜੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਟਾ ਫਿਰੇ ਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਬਾ ਪੈਗੰਬਰ ਏ ਸਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਆ ਪੈਗੰਬਰ ਏ ਉਹ ਲੜੀ ਚੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੂੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਖੜੇ ਨ ਅਦਨ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮਾਲਾ ਕਲਾ ਤਮੰਨਾ ਲਾ ਯੂਸੁਫਾ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਖੈਰ ਖਾ ਆਈਂਦੇ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਖੈਰ ਖਾਏ ਸੱਚ ਖੜੇ ਆਦੇ ਹਨ ਖੈਰ ਖਾਈ ਮੁਰਾਦ ਆਈ ਬਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਕੂੜ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨ ਹੁਣ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਨ ਆ ਦਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਰਸਿਲ ਹੋ ਮਾਨਾ ਗਦਨ ਕੱਲ ਭੇ ਛੋੜ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਯਰਤਾ ਵਾ ਯਲ ਅਬ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪੀਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਖੇਡਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਭੇਜ ਵਇਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਆਖਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਡੇ ਬਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਢਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਸੋ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਦੇ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਭੇੜੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ੋਕਤ ਕਾ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਕੁੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾਲਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹਾਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌਹਰੇ ਜਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਕਿਥਾਈ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫਸਾਦਾਤ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਕੌਮ ਲੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂਝੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਥਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾ ਨਾ ਹੋ ਵਜਨ ਅਜੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਨਫੇ ਨਾਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ ਲੱਗੇ ਵੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੱਲੇ ਨਾ ਆਵਣ ਜੀ ਹਾਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਹਨ ਹਸ਼ਰਾਤ ਉਲ ਅਰਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮੁਹਿੱਬ ਰਸੂਲ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਅਰ ਇਹ ਵਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਮਾ ਕੋ ਕੱਖ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਆਖੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਆਖੋ ਵੱਧ ਕੇਸ਼ੇ ਆਖੋ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਮੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹਰ ਅਮਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਚਾਏ ਹੈ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵੰਜੋ ਥਾਈ ਪੁਚਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਆਦਨ ਛੋਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਭਰਾ ਏ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਬਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ ਖਾਨ ਨਾ ਹੋਸੋ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਛੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵੇ ਖੇਡਣ ਕੁੱਡਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਵੇ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਸੀ ਛੋਟਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਥੇ ਛੋੜਵੇ ਸੋ ਨਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਵੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਡਾਢਾ ਦਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਗੁਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਗੋਂ ਮਜ਼ੂ ਲਫਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਗੋਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੋੜੋ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਆਦੇ ਅਖਾਫ ਯਾਕੁਲ ਹੁਜ਼ੇ ਬਵਾਨ ਤੁਮ ਮਨਹੁ ਗਾਫਿਲੂਨ ਅੰਤੁਮ ਅਨਹੁ ਗਾਫਿਲੂਨ ਨਹੁ ਰਾਮਣੇ ਤੇ ਖਾਵੇ ਸੀ ਖਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਭੇੜੀਆਂ ਆਉਣੇ ਖਤਰਾ ਆਏ ਕਿਥਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋ ਚੀਰ ਪਾਲ ਨਾ ਵੰਜੇ ਤੁਸਾਂ ਗਾਫਿਲੋ ਸੋ ਕਾਲੂ ਇਨ ਅਕਲ ਹੁਜ਼ੇਬੋ ਵਨਾਨੋ ਹੁਸਬਾ ਇਨਾ ਇਜ਼ਲ ਖਾਸਿਰੂਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਲਾ ਪਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਲੂ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨਾਨੋ ਉਸਬਾ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਕੜਿਆਲ ਜਵਾਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਮਾਤ ਆਏ ਇਤਨੇ ਡਾਹ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਏ ਆਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਏ ਡਾਹ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਨਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾ ਕੋ ਖਾ ਵੰਜੇ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੋ ਅਸਾਂ ਵੰਨੀ ਵੱਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਫਲੰਮਾ ਜ਼ਹਬੂ ਬਿਹੀ ਅਜਮਾਉ ਯਜਾਲੂ ਫੀ ਗਿਆਬਤਿਲ ਜੁਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਤੋਨੇ ਵਾਦਾ ਕੇ ਤੋਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਂ ਵਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੇੜਿਆ ਖਾ ਵੰਜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਬੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਛੋੜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਘਿਨ ਵੰਜੋ ਆਧੇ ਜੋ ਪਾਏਵੇ ਫਿਰਾਇਨ ਆਖਿਰ ਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਕੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ
ਇੱਜ਼ਤ ਆਈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਕਣ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੋ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਡੇਧੇ ਖੜੇ ਜੇ ਤਕਦੀਦ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਪਰਤੇ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਕਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਡੂਝਾ ਚਾ ਚਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਡੇ ਧਾਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਵਣੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਖੈਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬਾਪ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਡੋਜਾ ਚਾ ਚਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਡੋ ਜਾ ਚਾ ਚਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਣ ਓਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰਾਵਾਂ ਸੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਕਣ ਤੱਲੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਟੁਰਨ ਦੇਂਦੇ ਉਹਤੇ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇਨਤੇ ਧਿੱਕਾ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਆ ਇਨਤੇ ਧਿੱਕਾ ਦੇਂਦੇ ਇੱਕ ਇਨਤੇ ਚਾਟ ਮਰੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕੁਬੋਂ ਪਿਆਰਾ ਏ ਖਾਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਏ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਏ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਏ ਇੱਕ ਥੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਡੂਝਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਡਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੋ ਰੋਂਦੇ ਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਡਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੇਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਆ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇੜਿਆ ਬਣ ਵੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਵੇ ਸਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਿਣ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਆਈ ਅਜਾਲੂ ਦੇਖੋ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹਸਦ ਆ ਗਏ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਣ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਆਈ ਅਜਾਲੂ ਫੀ ਅਜਾ ਬਤਿਲ ਜੁਬੇ ਵਾਓ ਅਈਨਾ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ رب العزت اپنے شجاں نشان آخر یوسف رو دی حالت دے اندر خوہ دے اندر جے گئے ہوونے نے پھراواں کنے تھپڑ کھا دیاں دین اڑ جنگل بیابان دے اندر جے لے سٹا گئے ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਬਿਰਾਇਨ ਖੈਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਗੈਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਹਬੇ ਕਰਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜਮਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਗੈਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਥੀ ਗਈ ਨਾ ਬੁਰਾ ਬਲਾ ਖੜਾ ਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੁੰਨੀ ਸੜਵਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਤਾ ਸੋਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੋਰਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝੇ ਹਾਏ ਫਾਸਿਕਾ ਹੀ ਫਾਜਰ ਹੈ ਫਲਾਹ ਹੈ ਫਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਕਸੋ ਸਹੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕੜ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਫਾਸਿਕ ਹੈ ਫਾਜਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਨ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੋੜੇ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰ ਨਵਾਂ ਗਾਵਣ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗਏ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਤਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਬੜੇ ਜਜੇ ਕਵਾਦਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਡੂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ
यजीद की खिलाफत को नहीं मनना, बैयत नहीं की थी। बाकी जितने दौर दे सहाबाए कराम, चाहे किबार सहाबाए कराम है, बाज बदरी सहाबाए कराम ही अजन जिंदा मौजूद है न, और ताबीन तक कसीर तदाद के अंदर मौजूद है न, सब ने मुत्तफिका तौर पर यजीद की बैयत की थी है। और हुन अंदाजा खुद करो जिरा दे फासिक और फाजिर है। अगर फासिक और फाजिर शराबी और जानी है, कोई सहाबी रसूल दी गैरत गवारा करे करे हा के फासिक फाजिर दे हाथ ते बैयत करन वास्ते तैयार होवे हा? दसो हो इथाउ इमाम होवे, मिसाल दे तौर ते को गलत काम करेंदा देखो, वो कोई इमाम रख सो कौन है हाथ खड़ा करे जरा रखड़ वास्ते तैयार होवे? सिर्फ उनकी सिर ते टोपी ना देखो, बाकी हर कोई गल्लू लही वदे बीड़े लथे वन कोई हर्ज नहीं, चोला गिची घतेस कोई हर्ज नहीं थी। इमाम साहब अगर गली दे अंदर थको नंगे सिर फिरदा है देखो, कितनी गाल ही करें देवे? ते सहाबा इकराम नौज बिल्ला इतने बुजदिल है, वह तो बुजदिल आखना पोसी। गैर अगर तबर्रा करे ता कोई हर्ज नहीं, गैर जो होया ते आपड़ा ठीक है, साहबी का पुत्र है ताबी है। हजरत अमीर मावे रजी अल्लाह ताला कौन है न? साहबी हैं के नैन? सिर्फ साहबी नैन, कातिबे वही है न, खालुल मोमिनीन उन्हां दा लखा भाई। और सिर्फ मामूली शख्स नैन जिन्हें दे बारे दे अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह फरमाया है, वह जान दे वही बुजुर्ग हो जिंदे नाम तो यारहवीं बारहवीं मशहूर है, चलो ही तो जान सो ना खावन पीवन वाले मामले के अंदर। उन्हें मेरे मुआविया का मकाम और मरतबा वो बयान किते कि मेरे मुआविया कि जेरे घोड़े दे उत्ते सवार होंदे न, काश के मैं राह दे उत्ते बैठा होवां हा और उनका घोड़ा गुजरे हा, उनके सुंभा नाल जेरी गर्द गुबार उड्डे हा, मेरे वजूद ते आवा, मेरे निजात वास्ते उ काफी है। तो और मैं क्या समझ आए? साहबी तो पुत्र है यजीद, यजीद ना कोई गलत नहीं। तो और मैं तो ना कह भाई जे तेरी मेरी माँ भीणी का मंद है यजीद का पोतरा, तो और मैं उसे है यजीद दी औलाद, खबरदार यजीद माना के है इजाफा बरकत आला। और अल्लाह के फरमाए وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اگو وَلَا يَزِي لا ہٹاو کے شے یزید لا لا یزید یہ کے شے یزید اللہ وز لا لگ گیا نا پچھو نہیں زیادہ کریں دا وگر نہ مانا ہی دا کہ زیادہ کرانا اللہ زیادہ ہونا اللہ برکت اللہ اللہ کے فرمائے انسان کو ओ मोमिन बंदा तू नेक कमल कर, मेरा शुक्रिया अदा करो कि हम मतलब कुछ ज्यादा अता करे सा, जिन्नती मजीद अता करे सा। तेरे मेरे जहन के अंदर याजू हुआ दुश्मना ने सहाबा ली जबान चलन शुरू थी गई, मैं जो आखे अगर और वहां क्या था न, बिल्कुल मैं एक अदना जिया ताले बिल पिया दा, मेरी उलमा दी हैसियत उलमा दे हाँ कोई हैसियत नहीं, मैं अपने आप को अदना जहाँ ताले बिल मादा एक गल करके भी आवेदा नहीं। बिल्कुल दुनिया की किताबा खंगाल के देखो, जिन्ना साहबा डू ने अगर इख्तलाफ किया भी है तो हुकूमत के तौर तरीके के अंदर इख्तलाफ किए, दुनिया जब पूरी किताबा चाहे अहले तशज्जो दी या सुनिया दी खोल के देखो, कहें झार मौके महल दे जा अब्दुल्ला बिन जुबैर आखा होवे या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो आखा होवे कि असा इस वास्ते बैयत करने वास्ते तैयार नहीं क्योंकि फासिक फाजिर है। बिल्कुल मैं कहीं मेरा घर ही थे मैं समझो मेरे रसमिल खान के अंदर मैं बाहर ना कहे कड़ा कर हवाला बेशक लिख भेजे मेरो फासिक फाजिर उन्हें ही नहीं आखा। अगर फासिक फाजिर समझे ना तू और मैं तो आज रहमतुल्ला अलैह अमीरुल मोमिनीन आखण वास्ते यजीद को तैयार ना है कि आखसन फैलाने आए यजीद को ते रहमतुल्ला अमीरुल मोमिनीन ते कौन पाया देन
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेरे वेले मुस्लिम बिन अकील की इतला मिलती है शहीद कर दिते गए और अमर बिन साद का दस्ता मिलते इंशाल्लाह करी जिंदगी में पूरा वाक्य करबला था को सोड़े सा हकीकत के है और बातिल के रही आई बातिल मुअर्रिखीन ने खलत मलत की थे तो और मैं वो पिछो लग पाए एक इनू किस्सा घड़े भाई इनू किस्सा घड़े वाह 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 फिलाने जो आख देते और यो तरीका मुशरकी ने मक्का दा है वो आदि असाई अपने बाव दाद के नक्शे कदम से चलते सबको बाकी की सुन की कि जरूरत सब उन्हा इतमा दे अल्लाह ने ते कुछ अकाले थे वा ही भूल सकते छोटा ही भूल सकते हर भुलेखा आ सकते ये तो नहीं कोई हर फिर आखिर तो नहीं होंगे मसला खीर ते जेरे पहुंचे अमर बिन साद का दस्ता सामने उन्हें को खत मुस्लिम बिन अकील लाए जेरे ऊ आखिरी टाइम लिख भेजा है इमाम हुसैन को कहे ख्याल करे कूफिया दे दखे दे अंदर ना आवे ये गद्दारी नहीं मेरे नाल ही गद्दारी कर चुके नहीं इनते आवे साठ नाल लगा आंदे जेरे घिनन गए उठाऊ इमाम हुसैन उठाऊ थोड़ा जहा रुख तब्दील किया के भाई त्रै शर्त पेश की आने एक शर या तो मेरे को वापस उठाई वन डो जिथों मैं आया मदीना मुनव्वरा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर हुकूमत कहती आई आए अलाओ हूँ थोड़ा यजीद दी वद कहती हुकूमत ही पैन दूजे नंबर से मेरे को इस्लामी सरहद के उ पहुँचा दो मैं उन्होंने मुसलमाना मुजाहिदीन के अंदर रह के लड़के उन्हें गैर मुसलमान मैं ऊ फौज का हिस्सा बन के लड़ना चाहता उतें पहुँचा दो और उत्थे फौजा कहजे लड़जियाँ खड़िया हैं त्रीजी शर्त आई यसीरू हो इला अमीर उल मोमिनीना इमाम हुसैन दिन में को अमीर उल मोमिनीन दो वन जान दो कौन पाया थे अमीर उल मोमिनीन तो और मैं डरते हैं जा खड़ा वास्ते इमाम हुसैन पाया थे अमीर उल मोमिन के को आते पाया उठाई वन जान दो ज्यादा ज्यादा उफी यादे ही मैं अपना हाथ उन्दे हाथ च रखना चाहता अगर जेरा तेरे मेरे अंदर मशहूर है कि यजीद की हुकूमत नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन को खतरा है फला है फला है फला है शराबी ऐजानी फला है क्या अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन को आखे ना और दुनिया के अंदर अगर फासिक फाजिर इंसान है जहरी तेरी मेरी इज्जत के खिलाफ है अगर दुनियावी है करे तू उनके वास्ते दोस्ती का हाथ बढ़े से अरे मुवाहिद इंसान होवे अगर तू और मैं थी वंजे दुकानदारी की थी पे तू सौदा घिनन वास्ते तैयार ना है इवे कोई तैयार नहीं होता अगर एडा फासिक फाजिर आई तो हजरत इमाम हुसैन क्यों आदे पर मेरे को अमीर उल मोमिनीन दो वंजा डे इस वास्ते इंसान को सोचना चाहिए वो दुश्मन ने सहाबा सारे सहाबा कराम देते तबर्रा करना चाहते हैं यजीद दी आड़ दे अंदर कि जिन्हें बैयत की है उन्हें कोई नौज बिल्ला बुजदिल समझना चाहते हैं जिन्हें बारे के अंदर अल्लाह रब्बुल के फरमाए यो जाइदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम जेरे कदें मलामत अल्लाह की मलामत करण के अंदर भी डरे नायन आए डरे भी नहन क्या अज वो बुजदिल बन के अरे बुजदिल फलां फलां कदें सोचा ही नहीं अगर खैर होंदा तो खैर होवेया फेरा खूह के अंदर सट्टी वेंदे न इंशाल्लाह शाम तक बस हो खूह के अंदर सट्टी वेंदे न अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमायो यूसुफ है ना अपने शया निशान हकल मार गया किए घबरा मजा वह मला यशोरू एक दिहाड़ा आवने ई मामले दे बारे दे अंदर तू इना को खबर दे से जरूर लेकिन ला यशोरून इना को इल्म भी नहीं आवना शऊर भी शऊर नहीं आवना उथई हो देना जितना सब कुछ बतावे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए शहादा दी जिंदगी दे बारे दे अंदर जिंदा ताइन लेकिन इयो जे जिंदगी है वला किल्ला तशोरून थोड़ा को शऊर मालूम थे दुनिया भी जिंदगी नहीं वगैरह हूँ शहूर इन्हें कि नहीं कौन आया बैठे थे कौन नहीं बैठा
ਉਹ ਯੂਸਫ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰ ਆਵਣੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਮਲਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਤੋ ਨੱਬੇ ਅਨਾਉਮ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡੀਂ ਖੜੇ ਨਾਲ ਆਵੇਂਦੇ ਹਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਵਧੇ ਕੀਤੀ ਹਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਛੋੜੋ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੇ ਜੰਗਲੀ ਨੱਪ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਪ ਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੋੜੋ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਏ ਕਿ ਹਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੀਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਕੇ ਚੋਲਾ ਨਾਲ ਖਿਨ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕੁੜੀ ਖੇਸੋ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੁਰ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੇਰਾ ਕੋ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਾ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਅਗਰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਛੋੜੇਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਵਜੇ ਆ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਹੀ ਸਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਬਈ ਭੇੜੀਆ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਏ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚ ਰੱਖੇ ਉਸਦੇ ਯੂਸਫ ਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਥਈ ਏ ਯਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੇ ਕੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਵੇਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੱਤ ਵੇਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰੇਂਦੇ ਪਿਟੇਂਦੇ ਆਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਓ ਅਬਾਹੁਮ ਇਸ਼ਾਈ ਅਬਕੂ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਾਰਾ ਥੀ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਆਵੇਂਦੇ ਨ ਯਬ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜਾਨਾ ਮਰ ਗਿਓ ਸੇ ਮਰ ਗਿਓ ਸੇ ਮਰ ਗਿਓ ਸੇ ਸਾਰਾ ਕਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨ ਸਾਰੇ ਫਿਰਾ ਆਓ ਬਜਾਨਾ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਬਨਾ ਨਸਤਾ ਬੇਕੋ ਵਤਰਕਨਾ ਯੂਸਫ ਇੰਦਾ ਮਤਾਇਨਾ ਫਾਕਲ ਹੁਜ਼ੇਬੋ ਵਮਾ ਅੰਤ ਬਿਮੁਮਿਨ ਲਨਾ ਵਲਾਉ ਕੁਨਾ ਸਾਦਿਕੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨਾ ਅਸਾਂ ਯੂਸਫ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਗਏ ਆਏ ਆਏ ਨਹੁਰ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਅਸਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਬਾਕੀ ਆਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਏ ਹੁਣ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨ ਹੁਣ ਆਪੋ ਦੱਸਾਓ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨ ਸੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੱਡੀ ਖੜੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਆ ਹਰ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਾਤਿਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਆਉਂਦੇ ਗੁਲਵੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਕੂਫੀ ਵਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਬਲ ਖੁਦੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੀਣ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਦਾਰੋ ਕੂਫੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਇਵੇਂ ਉਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਆ ਮਾਤਾ ਕਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਪਿਟੇਂਦੇ ਰਹੋ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਆਜੋ ਅਬਦੂ ਆਏ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਏ ਵੰਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਾ ਜੇ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਛੁਪਾਓ ਕਦੇ ਛੁਪ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੀ ਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਦਿਆ ਇਸ਼ਾਈ ਯਬਕੂਨ ਰੋਦੀ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਅੰਦਰ ਆਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹਾਏ ਆਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰਾ ਕੋ ਨਹੁਰ ਆਏ ਅਸਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆਏ ਆਏ ਨਹੁਰ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਦੇਬੋ ਨਹੁਰੋਂ ਕੋ ਖਾ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਾ ਅਨੰਤਾ ਬੇਮੁਮਿਨ ਲਨਾ ਹਾਏ ਸੱਚਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋ ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੱਸੈਂਦੇ ਵੇ ਫਲਾਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮਾ ਅੰਤ ਬਿਮੁਮਿਨ ਲਨਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਹਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਏ ਸੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹੜੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕਰੀ ਆਦੇ ਸੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬੰਨੋ
मेरे सिर तो टल्ली ते थारे उते आ सच्चाई हो कुछ ये नहीं होता को नाल दलीला इनते उनते वत इथों बह भी सोच जरे एडा वला वला दरे प्या देंदे मालूम थी हे यो मा अंत बेमोमिनी लना वलाओ कुन्ना सादिकीन वजाओ वला कमीज़ बेदा मिल कज़ेबो झूठ मूठ दा खून ला के कमीज उते गिन के आए लेकिन हज़रत याकूब अलैहि सलात व सलाम क्योंकि हुन खैरा को नैन सुनावना चाहंदे आए दूजे खुश ना हो वे रोड क्या खन लगे बल सब वलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसबर जमील जरे हालत रिठोने चोला तो सही साल मौजूद है कुर्ता सही साल मौजूद है समझ गए खुद अपने इन्हों के नफसा की बने गाल यो को जाके थोड़ा तुसा खुद खड़ के खिना वे लेकिन हूँ मैं वाह वेला तो शिकवा शिकायत ना करे सा ठीक है हूँ घर का मामला है आपस के अंदर हसत पैदा लेकिन अल्लाह ही चुप किए जाए थे अजर कदें जाए वन नहीं देंदे सवाब कदें जाए नहीं वन दे फसबरुन जमील इस वास्ते मुफस्सिरीन ने कराम लिख दे फसबरुन दा लफ्ज भी काफी है जमील आखण की कहरी जरूरत है जमील इस वास्ते नाल लाए कि इहो जिया सबर जिंदे अंदर मैं वाह वेला ते शिकवा शिकायत कहें दे सामने ना करे सा बिरावो पुत्रो तुसा तो बहु अपने बिरा दे उते जुल्म करके आए हुए वल्ला गुल मुस्तान वाला माता सिंह जो कुछ तो संबयान करेंगे खड़े वे अल्लाह ही गवाह काफी है मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे उते पे छोड़े दा मैं कह दे सामने शिकवा शिकायत ना करे सा बिराज नु वापस आ गए हजरत यूसुफ अलैहि सलात व सलाम लिख दिन के त्रै दीवारा तक खूह दे अंदर मौजूद रहे वरे फिरा जरे बकरियां चरावण वेंदे आन देख तां देन के फिरा खूह दे अंदर वे जारो कतार रो दी सूरत दे अंदर उथई मौजूद आई बाज लिख दिन यहूदा जरा बड़ा फेरा आए बहु रहम दिन लई अपनी बच्ची उच्च रोटी बचा के ते उथाई खूह दे अंदर फेरा कोई सट के आवेदा आए जेरे तरीजे दीवार वेंदे न फेरा नजर नहीं आंदा आखिर इन ते उन ते दीद मरे दिन दे दिन दूर तय खैमा लगाए खैमे दे अंदर काफला आए क्योंकि काफले आले जेरे उन्हें गुतरे लगी है एक पानी आले को साके को भेजे दिन वाजे खूह नजर पे आंदे वाजे थाऊ पानी भर गया फअरसलू वारे फअदला दलवा काला या बुशरा हाजा गुलाम जेरे वेले खूह दे अंदर वो अपना बोका सटेंदे वो डोल सटेंदे हजरत यूसुफ अलैहि सलात व सलाम दे नाल चंबड़े वेंदे न खूह चौके तले आई गहराई जेरे वजनी निठोस लिखदे न कि जेरे जात अंदर मरेंदे ता एक बच्चा खूबसूरत नजर आंदे रस्सी नाल चंबड़ा होया उथाई खण किया ते या बुशरा आए इस वास्ते बाद लिखदे न बुशरा ही कौन दा संगती है काफले आला ओ को हाथ मारो हकल मार के आओ खुशखबरी जिवे चंगी शह कहें को लाभ पवे ते नाल काफला ही होवे उनको हकल मरेंदे कि नहीं मरेंदा आ खुशखबरी हो फिलाने मच्छियां वे पकड़ेंदे वो चलो ही तो समझ आ सर तो कहें हथे चंगी मच्छी ला गए उथाऊ को रड़दे के नहीं रड़ना वे असा तो बाद ही पहले ही को खुशखबरी सुन या बुशरा हाजा गुलाम हाजा गुलाम ओ खुशखबरी हाजा गुलाम आज तक यो जिया लड़का खूबसूरत डिठा नहीं कि मामूली शख्स का ना आए खूबसूरत है ना चौदहवीं चानकड़ी जी आदन ज्यादा खूबसूरत इतने खूबसूरत हाजा गुलाम व असरू बिजा गिन के आ गए वो कुछ जमा पूजे समझ के लुका छोड़ो ने भाई योजना खूबसूरत है तो एक कोई पिछू आ गए ना आखिर इवें तो नहीं ना ये शाय इो जे अनमोल चीज़ जेरी है ये निगो सामी तो नहीं होंगी कहे सइया आला हो सी जरूर अगर आगे इस वास्ते वल्लाह अलीम बिमा या मलून लेकिन अल्लाह की जात तो जान दी है ना आए उन्हें तो समान समय लुका छोड़ा तिखे तिखे छुपाया उस आए मुसलमान का काम ही हो ना चीज़ ला मे तो तिखे तिखे
कोई देखे तो नहीं लिखता डिठा नहीं तो ठीक है सर टुरद ये दे लोग आके इो कम होना चाहिए ना है कहते राह दातरी ढाए पवे निशांगे इंशाला हाँ बात ये अल्लाह समझ लेकिन ये नहीं आज इतना दुनिया पचावे सो ना क्यामत हली कंड ते सवार हो सी दातरी दातरी साहब चाह क्या आंदा पिया सी ते हुन देखे उहो मालिक इहो जे अमल हन जे इंसान दे नेक अमल तबाह बर्बाद होंदे न कि बाय दी शह चोरी चाह के ते टुर पिया वाला को दिखावणी दित्ती वी आके थोड़ा बड़ा रद्द बदल कर छोड़ा ना सुजाण ना वंजे अज इत्था रद्दो बदल की थी क्या मतलब तेरे नामे माल च रद्दो बदल होने हाय नामा माल सिया ते उल्टा उंदा हिसाब ही दे से ते वो बेहतर नहीं खैर ना ले के तक इस्तेमाल करे से वाला वापस चा कर ते चंगी गाल नहीं जान तो छुड़वे सिया नहीं थी इस वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाए इके हकूकुल्ला ही के हकूकुल इबाद हकूकुल्ला दे अंदर कमी को तय आ गई अल्लाह अपने फजल ते रहमत नाल माफ कर छोड़ने अगर हकूकुल इबाद दे अंदर कमी को तय आ गई तो अल्लाह ही माफ नहीं करना जब तक वो बंदे अपना हक माफ नहीं करना ते उथा हिने ताकत कहें दी जरा बदला को देस कहे दात्री उथे लोहार मिल सने बना दे सस भाई है जिथा ना कोई खरीदो फेरा खत्म होनी है ते ना कोई बाय शिरा वगैरह ना हिक बाय कड़ उधार पुधार होने है उथा तो हिक बैगड़ भजदे नजर आसे न आज दुनिया च अगर कोई गरीब कर्जा मंगे भजदे नजर आंदे तो उथा दे सो सखी तो इतने हैं ना लाभा में इस वास्ते आज चोरी की थी भी दुनिया के अंदर कहंदी चंगी बुहारी डिठी चंगी कुहाड़ी डिठी चंगी कही डिठी चंगी बहोला डिठा बहोल ये थोड़ा इनते कन्नी वाला वे साई शाय गायब थी पता ही नहीं लगता ये मुसलमान का वतीरा नहीं मोमिन की शान नहीं ये केंद्री शान है मोड़ा फेंक दी मुड़ आप अंदाजा करो कि रेल स्टेज बजना चाहते हैं तो ये को आदे के है वास है ये कोई शाय है आके ई दे अल्लाह के इवें माफ कर छोड़े सी ते तू ही कहे गुडे आया करना करे ते कण रह वने तो दह गाल ही कट दें को आए निसंग जे तक रहने दुनिया चो को गाल करे एक कख न रावेस शाला उवा होवेस इही ते कहना या दे माई जाटा तुसे जाटे वे ते बाय वास्ते के थी दे आके ममोले जस इस वास्ते दोस्त और बुजुर्ग इन्ना सही गणी परहेज करो इन्हा नाली अमाल नामा खत्म हो दे ममोली चीज नहीं घर दे अंदर है चोरी ये भी जायज नहीं बाहर भी चोरी जायज नहीं चोरी चोरी है जेरी शायद भी होवे चाहे कुकड़दान है क्यों ना हो दे तो खावण पीवण की शाय है के थी दे नहीं चोरी चोरी है चाहे मामूली चीज क्यों ना होवे निसंग मंग के खा उन्दे दिल खुश थे सी ये मंगदा इस वास्ते नहीं कहता एहसान मेरे उत्ते ना होवे आर समझेंदे है समझेंदे कह रहे इनके अंदर ते अगर चोरी करके शह खासे हूँ हलाल खादा पाए ये मुबाह साहब खासे हलाल हूँ पेट के अंदर हलाल बहदा पाई ठीक है मुशरक से भी हराम है और कतन हराम है मैं आदा तो ये शह कहीं सोची से बहुत ही जेरी शह हड़प की थी कोई हर्ज नहीं ये पाक हिसाब पे वेंदी है अपने माल को पाक करने का जरिया जेवरात दे पाक करने का जरिया बकाया जात साल बाद है नगर पाक करने का जरिया शरीयत उन्हें ना जकात रखे और बाकी फसलों दे पाक करने का जरिया उशा रहे उशर अदा कर ते जेरा अदा नहीं करेंदा उनका सारा तरका ही हराम है और खुद सोचो जेरा खासी हलाल खासी है उन्हों तो बच्चे हराम दी मुशरे दी कोठी ना खांदे इनू जेरे माल च उशर अदा नहीं किया जकात अदा नहीं किया सोना घर के अंदर मौजूद है चांदी भी मौजूद है बैंक बैलेंस भी मौजूद है लेकिन कहीं साल बाद चालीसवा अदा नहीं किया या जितना फसल थींदा पाए ये अदे हई सही कैसे थे इतनी खास हटी फलां कीते में तेरे अंदर ओ है अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाए शरीयत का हुक्म ये जो कुछ जमीन चो निकले उनका वीवा हिस्सा तेरे उत्ते जरूरी है अदा करे से तो माल पाक थी सी हा वगरना जरा खासे ओ भी हराम खासे पीसे ओ भी हराम पीसे पैसे ओ भी हराम हो सी हा ये खुद तवज्जो कर गिजा अपनी हराम दी प्या बने दे जिथो इबादत कितो कबूल होनी है ओड़ा दे मैं नमाजी भी हाँ तो जद कदे मैं कजा नहीं की थी ते ये जेरी माल च उशर जकात अदा नहीं भी की थी हलाल खादा पाए
ये हलाल ये जरा डी रात अगर रोटी पे खाने कुछ अरसका दादा नहीं तो हराम का माल है ये पेट हराम पिया वेंदी ये कहीं सोचे से हूँ अगर ये हराम दे माल इबादत करे सो तो कबूल हो सी मुशरक की सबिया खा के अगर इबादत करवा दे क्या दे नमाज नमाज तो ये करे सोचे से इधर से आद नहीं आता इस वास्ते अस अपना मुहासबा करो जरा ख्याल करो कि भाई हराम दी गिजा ठीक है उन्होंने बच्चे हैं नजर न्याज गैरुल्लाह हराम है वमा ओ इल्ला ले गैरुल्लाह बही दे दहत उर्रे मत दे दहत आ गया ओ हराम नजर न्याज मन्नत मनोती उंदा हर चीज हराम ओ हराम है तो ये भी चीज हराम है कि जेरी पाक गिजा है लेकिन अगर अल्लाह दा फर्ज अदा नहीं भी कीता तो ये भी चीज हराम बन गई भी अगर ये इस्तेमाल करे सो तो भी हराम इस्तेमाल करे ना पाए बहरहाल जेरे वेले आखण या बुशरा हाजा गुलाम नमाज से टाइम तो नहीं थे उठन लग गए वाले थोड़े नाल थकन लग गए भाई वाह से वाह ये मेला होंदा ना मेला अगे तो मैं आखा है ना तो करे इनते पासा उतरऊं ही ना ये सारे ईमान है ना अल्लाह रहम करे ये जो शैतानी काम में वंजना जायज है हुण इहो चए शैतानी काम में वेसो अमल बाकी रहा से साडे ये करे ख्याल कीते से ए भाई कोई हर्ज नहीं दुनिया दा काम में आके के थींदे आ इहो जे इंसान को मैं अर्ज कीते इल्म भी नहीं होवणा इंसान दे अमल तबाह बर्बाद थी वेसे ए ख्याल रखी वदा उसी आखरत दिन ओ मेरे ओद पहाड़ जितने नेक अमल होसन ठीक लग के आवे से मैं नफली नहीं छोड़िया फर्ज नहीं छोड़े ते जेरे अब काम इनू ही हो जाए की थी खड़े हो सो सारे खत्म हो जाने राह बण वजनी इंसान करे ख्याल ही नहीं कीता गिले गुमाजी चासो ता नहीं संग शुरू बैठे ये असि वाह सही ये तो मेरा हक है ये करे ख्याल की थी कि तेरी शय ऊंधो पई वेंदी है नेक अमल तेरे तबाह बर्बाद पे होंदे इंदे नाल इंसान दे नेक अमल तबाह चुगलखोरी गिबात ये मामूली शय समझेंदे हैं जो गिला गुमाजी आदि ये तो सब के है फिलाने च ये फिलाने ये फला ए फला ओ फिलान ये है ढींगे ढमोक ये के है फिलाने भेन नहीं तो अल्लाह के रसूल के फरमाए गीबत ही शायद ना है कि अंदर उनके अंदर ऐब होवे गंढ पिछू जिक्र कर अगर ये मैं मुँह ते आखण वास्ते तैयार हाँ और ई शायद ना तो गीबत है अल्लाह के रसूल के फरमाए अशद मिन ज़िना ये गीबत ज़िना कण भी कैसे है ज्यादा साखते किए साखते जिना कर ज्यादा वह तो जिना तो बहुत जुर्म है साख इस वास्ते है जानी आदमी भी कह मौके और महल देते चूंकि जिना को हराम समझे दे तौबा करे सी जरूर ये कह रही जैसे हलाल तो नहीं समझेंदा ना वो को हराम समझें दे जुल्म और ज्यादती वाक्यता नहीं जुर्म का इरतका प्या करे ना ये कहे ना कहे मौके महल देते तौबा करे सी जरूर ते जरा कोई बात बैठा करे दे अदे तो हक है मैं कोई आखे बुरा बैठा था उनके अंदर फिलाना है भाई ये तौबा करे सी इस वास्ते शद्द मिन ज़िना ज़िना खड़के है ये चाहे मर्दे उनके अंदर भी है औरत है उनके अंदर भी है मौलवी है उनके अंदर है पीर है उनके अंदर है कहीं ख्याल ही नहीं से किया कि कितने सारे नेक अमल तबाह बर्बाद तो नहीं पे होंगे इनके अंदर इंसान के नेक अमल ईमान तो बचाई वे हैं भाई महफूज है कोफर शिर्क के नेड़े ना गया लेकिन ये अमल इंसान नहीं बचावड़े इस वास्ते इन्हे कर इंसान बच के रावे करना गीबत अपने जाते रह गया मेरी मजलिस के अंदर गीबत पई होंदी होवे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर हिम्मत और ताकत भी मना कर रोक अगर रोक नहीं सकता तो तू उठ खड़ा थी इतना तो कर सकते सुनना बर्दाश्त भी ना कर ते तू अरमाए होले होले बैठा परते हो सी ते देख सी दूध दी गुफ्त होले लब खिसकदा नाल वाज चलो मैं भी देखना एक दो चम्मक आ भी ना सा ए बार है इंसान दी यो जे अमाल दी वजह कोलो नेक अमल तबाह बर्बाद या बुशरा हाजा गुलाम ए नेक खूबसूरत इंसान बच्चा है हूं के करो असर हो को लोका छोड़े देन आखिर फिर आन फिरदे फिरदे खूह दे उते आ त खड़े देन ने देन त खूह च नजर नहीं आंदा यूसुफ विरा ने देनी वे दूर तई खेमा नजर आंदे उथई वंज पहुंच देन आदन यारो साडा एक भगोड़ा गुलाम यो ज आओ सी देखो हसद देखो विरा नहीं आदे आदन गुलाम मेहरबानी करो कि थोड़े हाथ के अंदर त नहीं आया उन्ना सोचे कि समान फोले नहीं दसें दे ना दिन ए
घिंदे तो नहीं लेकिन के कितो ने शराओ बेसामानी बख्शिन दराहिम मादूदा चंद रसन चांदी में पैसा ते टक्कां दी खातिर जेरे फजूल किस्म दे न खिल के गुलाम कर के उनको वे छोड़ो ने के साडा गुलाम आई वड़ा भगोड़ा है वड़ा शरारती है साकण भाज के आ गए वड़ा निकम्मा है लिहाजा खिल दे तना है चंद टक्के चढ़े आओ दे गए ओ खिल के वला वापस आ गए बेच के आ गए लेकिन अल्लाह दी तकदीर दे अंदर जो चूंकि इज्जत ज्यादा लिखी हुई आई बिरावा ढवावन की कोशिश की थी है लेकिन अल्लाह उच्चा करण की कोशिश की थी है तो इज्जो मन तशाओ व तुजिल्लो मन तशाओ बियादी कल खैर इज्जत जिल्लत दमाले के अल्लाह रब्बुल इज्जत है अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथ दे अंदर खैर खाई है कहें दे वास दे अंदर इज्जत जिल्लत नहीं इंसान जितना भी बुरा अगर इंसान द चावे अगर अल्लाह ना चावे तो कोई इंसान का नुकसान कर सकता भी नहीं एक तवीज नहीं लखा तवीज करण आ वन एक जादूगर नहीं लखा जादूगर आ वन अगर अल्लाह के हिस्से के अंदर नुकसान नहीं लिखा तो जरा नुकसान भी दे सकते नहीं कहें दे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं इस वास्ते अल्लाह के पाक पैगंबर फर्जा कड़वा दुआइया सिखाइए अल्लाहुम्मा ला माने आले मा दईता वाला मोहते आले मा मनाता वाला यनफा जल जद मिन कल जद अल्लाह मला माने अलमा आता अल्लाह जे को तू देवना चाहे सारी दुनिया रल के रोकना चाहे ला माने आओ उनको कोई रोक नहीं सकता कहे को इज्जत देवना चाहे कहे को मालो दौलत देवना चाहे कहे को लाद खजाने देवना चाहे कहे को अच्छा खावन दा देवना चाहे अच्छा पावन दा देवना चाहे अच्छी रफ्तार ते गुफ्तार देवना चाहे ला माने आ सारे दुनिया के कट्ठे हो वन ला माने आ कोई रोक सकता नहीं वला मोती आले मा मनाता अल्लाह अल्लाह अगर कहें देसे दे अंदर ते जिल्लत रखिए सारी दुनिया जमा हो वन कण जिल्लत दूर कर सकते नहीं ला माने आले माता वला मोती आले मा मनाता जे कण तू अच्छा खावना रोक छोड़े अच्छा पीवना रोक छोड़े अच्छी इज्जत रोक छोड़े अच्छा चलना ते फिरना रोक छोड़े सारे दुनिया के मौलवी जमाओ वन सारे दुनिया के अखबार ते रुहबान जमाओ वन सारे दुनिया के वरके वडेरे जमाओ वन सारे दुनिया के तबीब ते डॉक्टर जमाओ वन उन्दे हिस्से के अंदर सब कुछ आनण की कोशिश करें अगर तें जात ने उन्दे हिस्से के अंदर नहीं लिखा तो कोई उनको दे नहीं सकता वला यनफा जल जदे मिन कल जद अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाओ लोगो कहें दी बजुर्गी कहें दे कमे नहीं आ सकते अगर कोई बुजुर्ग है तो अपने ताई अज फिलाना बुजुर्ग में लगा वैसा सब कुछ कर दे सी लायन फौजल जद मिल कल जद कहें बुजुर्ग अगर दिखाओ फिलाना बुजुर्ग है तो ए थी वैसे फिलाना इवें अच्छा है तो मेरे हक दे अंदर ए थी वैसे अल्लाह दे पाप अमर फरमे नहीं नहीं लायन फौजल जद मिल कल जद अगर बुजुर्ग है तो अपने वास्ते नेक है तो अपने वास्ते वली है तो अपने वास्ते गौस को तब अपने वास्ते उनकी बुजुर्गी तेरे केरे कमे आनी है लायन फौजल जद मिल कल जद कहें बुजुर्गी कहें दे कमे ने आवने हर एक दे अपने अमल कम आवने देखे रही अपने मल कम आने आखन लगे तो भगोड़ा है आखिरकार वेच के आ गए अल्लाह इज्जत वधावना चाहते हैं काफला टुर पिया मिसर दे शहर के अंदर पहुँच गया मिसर दे बाजार के अंदर यूसुफ को गुलाम बना के बेचेंदे अजीज मिसर वजीर आवेंदे बादशाह दा वजीर है जिंदा लकब अजीज मिसर है वो खरीदन वाला आवेंदे अल्लाह को नरीना औलाद नहीं दीती ये भी औलाद दे खजाने दा मालिक है ता कौन है आए कौन है ना नबी है आए के नबी दे वास दे अंदर ये औलाद दे खजाने आए खुद नबी भी रोंदा है नजर आंदे ये कह रही अल्लाह अपने पैगंबर दा बे औलाद जे रहन उन्हां दी तज़किरा कुरान च कीती ओ टाइम बम घट है और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर सुनते रहंदे ना
बुढ़ापे दिन त्याग को पहुंच गए, जवानी च मंगते रहे अल्लाह नरीना औला दता अता च कर, अल्लाह अता नहीं की थी। जेरे बुढ़ापे थे वात्या दे रब्बे इन्नी वहन लाजमो मिन्नी, हाय वहन लाजमो वहन माने कमजोर आजमानी हड्डियां। हाय अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाए जेरा कुरान मुकद्दस पढ़ के ओ खत्मिया दे बारे शुक्र असद नहीं खाते ना खदमिया बारे जरा कुरान मुका पढ़ के वाला खांदे उंदा तो क्या मतलब बार उंदे चेहरे दे उते गोश नहीं होना आज हड्डियां होनी है हड्डियां के हो से ना खदमी मुल्ला दे चेहरे दे उते गोश तो नहीं होना के से होनी है हड्डियां होनी वहन अल अजम मिन बुढ़ा मैं इतना हो गया मेरिया हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं। हड्डियां कमजोर हो दिन इंसान का वजूद टेढ़ा पाना दे, लेकिन या अल्लाह मैं तेरी रहमत करना उम्मीद ते मायूस ना होया। उम्मीद देखो यकीन देखो कहें दे अगू झुके तेरी मेरी हालत कह रही है 10 साल शादी थी औला नहीं थी दे बात आ वे देना शैतान बड़ा खबीस है ना एक भी औरत घर दे मई ए तो उ में तू ते को अक्स ने मनहोस औरत है फिलानी जाते फिलाना गाय शाह हुसैन तो मिल पाए जी आपड़ी औलाद ही कहाँ जाई है औलाद के खजाना का मालिक कौन है आए? कौन है अगर मखलूक दे हाथ दे अंदर होंदा गरीब को कोई हिक देवन वास्ते तैयार होवे हा हूँ ज्यादा कहते हैं ना मालूम थिया ए इहो जी बेशबहा खजाना है औलाद आला जो पैसे नाल ही मिलदा अक्सर वड़के वडेरा को देखो वड़ा उसी लैंड लाट हो सी नरीना औलाद कर महरूम हो सी अगर पापे से नाल रिश्वत नाले कम चल सकदा ना तो ते कर ज्यादा पैसा नहीं पैसा उन्ना कर ज्यादा है ओ पीर साहब दे अगू वीटे ना ते औलाद घेन के आवे ना ए इहो जिहा खजाना है अल्लाह अपने कब्जे कुदरत दे अंदर रखे राजिक भी कौन है मालिक भी अगर ना रोजी गरीब को देवन वास्ते हूँ भी गरीब देते वह तो वैसे न देवन वास्ते तैयार हो ना राजिक भी कौन है अल्लाह औलाद खजाने भी कहते हाथ देंदा रहन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हाथ देंदा अजीज मिसर दी नरीना औलाद कहनी ओ भी गिनन वास्ते आवेंदे आखिर पैसे आ लाई ज्यादा पैसा हूं बरा इश्तारा हो मिम मिसरा ले इमराती ही अकरमी हजरा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घिन आंदन अपने घर के अंदर आके अपनी औरत को आदन अकरमी मसवाओ इनको इज्जत का ठिकाना देवे आए के करने गुलाम बना के नहीं रखना ए बच्चे दे जेरे आसार नजर आंदे ए गुलाम ले नहीं गुलाम बना के नहीं रखना असा आइयन फाना औ नत्तखिज़हू वलादा या तो वड्डा थी के नफा दे सी ऐ चलो साढ़े रखण दे रात ना भला अगू ते वेछोड़े सोडा जिवें गामा गिना दे छोटा होवे तो कुछ पैसे वड्डा होवे तो बस कुछ हो आई यनफाना या नफा दे से आओ नत्तखिज़हू वलादा या सारी औलाद कानी असाई को अपना लड़का बना छोड़े सो वकज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्ज़ वलनुअल्लिमहू मिन तअवीलिल अहादीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए असा किवें ठिकाना दिता यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिरामा न तो खूह दे अंदर सड़ जलील करण दे खातिर पियो कण जुदा के तो पियो हुण रोंदी हालत दे अंदर अल्लाह मसला समझावण आए दूर जो जानन ली जात भी मेरी है त्रै मील दा फासला किनान दे खूह कण आए लेकिन अल्लाह नी जणवाया तो कोई इलम पैगंबर को नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत मसला समझावण आए दूर जो जानना ही मेरा काम है नजदीक जानना ही मेरा काम है जब तक मैं खुद न रसावा कै कोल नहीं हो सकता वगदा पैगंबर भी क्यों ना होवे ऊ कोई पढ़दा जो इलम नहीं हो सकदा दूर कण जाने वाला नहीं बन सकदा रोंदी अल्लाह दे अंदर सारी दीवार घर दे अंदर या को पैगंबर रोंदे गुजर दिए बाए बाल भी मौजूद हैं दोतरे पोतरे भी मौजूद हैं दादे ते नाने को रोंदी अल्लाह दे अंदर गुजर दी उन्होंने पई लेकिन इलम नहीं यूसुफ दा
यूसुफ कितों के नाल पे गुजर दिए, खुदा अपने बालों बचा लिया सो। अगर औलाद इंसान द इंसान के सामने टुर वे गम नहीं आता, चंद दीवारा कम लग सी उसकी मौत के उते, आखिरकार भुलते भुलते इंसान को भूल वे से, कितना रोसे लेकिन रोना खत्म हो वे से। माँ भी कितनी शफीक क्यों ना हो, अपने हथा नाल अगर बाल को रो टोरी बैठी हो दुनिया तो वह भी रोंद रोंद बस कर वे से। दुनिया जहान है आखिरकार जहानदारी के अंदर आता, याद आवना भी उनको नहीं आवना, लेकिन जेरा बच्चा जींदा जागदा दुनिया तो गायब थी वे, उनके माँ प्यो के दिल के उत्ते के गुजरनी है। हर वक्त उनके दिल के अंदर हो सी खाश मेरा बच्चा पता नहीं केरी हालत के अंदर होने, कितना खादा हो सी, कितना बांधा हो सी, कितना समझा हो सी, पता नहीं उनके नाल केरी हालत होनी है। वो वलदैन वास्ते गम का सबब ज्यादा बनता होंगे, हत्था नाल दफन करके आवे इतना गम नहीं लगता। अगर औलाद जींदी जागदी गुम हो वे वालदैन वास्ते परेशानी ज्यादा आती है, या को बाप है जिंद नाल शफकत ते प्यार भी ज्यादा इंसान को होवे, एक आम जी शाय होती है उनके उत्ते भी इतना गम नहीं आता, एक जेरी खास शाय होवे, हर टाइम उदा ध्यान रखने वाला, हर टाइम उदा ख्याल रखने वाला, तो वह ही जुदा थी वे तो जुदा भी जींदी जागती थी वे। वह इंसान के दिल और दिमाग के अंदर कितना गम हो सी, वह गम की हालत के अंदर या को पैगंबर जबान नाल शिकवा शिकायत नहीं करेंदा, क्योंकि वादा के ताने फसा बरो जमील। मैं शिकवा शिकायत ना करे सा, कह दे अगू मैं शिकायत नहीं करने, मैं करे ही कह दे अगू वावेला नहीं करना, कह दे दीवे भी नहीं बालने, ये कह रही तेरी मेरी हाला कह रही, कह दी नाम दे ना दी नजरों नी आज भी नहीं पकावनी, कह दे ना दे उते चावल, कह दे ना दे उते मिठाई, ना ना जै दिता ई शिकवा में उंदे सामने करने, आज जै दिते शिकवा तो उंदे सामने होना चाहिए ना। कई एहसान कोई करे या काम कोई नहीं शिकवा बह दे गुवन कर, अगर दोस्तों को समझे तो ऊको आख वाला, अगर उनकी खैर खैर समझे तो ऊको आखना चाहिए। ये बात के अंदर इंसान भी इंसान को आते यार मेरी खैर खाई मकसद है, मैं को आख्या हो गया मेरा गिला और शिकवा कह बह दे गु क्यों आज के ते। हजराइया को पैगम्बर आंदे गुजर दिए, यो सो पैगम्बर गुलाम बना के बेचा जा रहा है मिसर दे बाजार के अंदर, अजीज मिसर गिन छोड़ा घर वाले को आते मेहरबान कर, इनको इज्जत एहतराम ना रखने वाला बालागा अशुद्ध हो आतैना हो हुक्म व इल्मा। अल्लाह जरे राजी थी हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए जेरे जवानी दी हालत को या को यूसुफ पैगंबर पहुंच गया वलम्मा बालागा, आए बालागा हुआ था ना जेरे बलूगा दी इंतिया हालत को पहुंच गया, जेरे वेले बलूगा दी हालत को यूसुफ पैगंबर पहुंच गया, मैं रब ने आतैना हुक्म व इल्मा, हिकमत दियाँ गालें भी अता कर छोड़ियाँ, इल्म भी अता कर छोड़ा, वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जेरा इंसान हर आवण वाली मुसीबत परेशानी दे उते सबर चा करे, सिर्फ यूसुफ नहीं जेरा भी सबर चा करे से परेशानी दे उते, चाहे अपना दी तरफों परेशानी आई होवे या गैरा दी तरफों परेशानी आई होवे, अल्लाह के मैं इो जै नेक करण वाले दा अजर कदें जाए नहीं करें, दाऊ को बदला जरूर अता करें ना कज़ाले का। अल्लाह रब्बुल फरमाए यूसुफ अलैहिस्सलाम को असा सिर्फ ठिकाना अच्छा नहीं दिता, जेरा सारी तरफों आई मुसीबत के उत्ते सबर च करे सी, साडा कानून और ज़ाबता आज भी इंसान नाल है, कज़ाले का नजज़िल मुहसिनीन, असा इहो जिया अच्छा ठिकाना एहसान करण वाले को अता कर छोड़ेंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे मेरे वास्ते भी रख छोड़ा, अगर असही सबर करे सू वाह वेला शिकवा शिकायत मुसीबत बह दे को फोलन वाल कोई जरूरत है, आए मुँह दे उते तेरे उते सुन सी बेटा जेरे कौन टुरसे असी चंगा था इंदे नाल, ये बहुत चंगे हे ई दादा हे हालात या के नहीं, हाय पहले तेना असी हे वरे हम में वरे परेशानी थी है तेरा एडा नुकसान एडे तेरे उते परेशानी एडी मुसीबत एडा गम, लेकिन जेरे ते हट से थोड़ा जिया वो असी बहु चंगा है, ये बहु उद्दू ते उड़दा है, ये ई दादा है केरी जरूरत है शिकवा शिकायत करण दी, अगर शिकवा शिकायत करता हूँ जात दे सामने कर, जय मुसीबत सटी है तेरे उते ओ को आख या अल्लाह मुसीबत ही तय दीती है टालना ही कहता काम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ा फरमाए असा इवें इनेके करण बदला देंदे हैं। आखिरकार जवानी दी हालत को पहुँच गए, घर के अंदर जो रांदे हैं वह मलका वह आका दी घर आले वह मालिक दे घर आले ज़ुलैखाना आयोंदा वह यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन को देख के उन्दे उते फरिश्ता हो खड़े। एक जमाना हो आंदे उन्दे को तकलीफ दर तकलीफ पई आंदे है, एक रिवार होंदी है। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन बेमिसाल है, चोरी दे चंद दे कार चमकदे हुए नजर आंदे ना। बाज़ लिख दे अद्दा हुसन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर छोड़ा है। इतने हसीन पैगम्बर हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुण जेरा इतना खूबसूरत होवे, जवानी दी हालत दे अंदर है ना, चौबी घंटे घर दे अंदर पहरां दे ना, मलका दे ज़हन दे अंदर जेरे वेले खलश वाके होइए। एक दिवार अपने घर दे दरवाजे बंद करना शुरू कर रहे तो ने यूसुफ को अपने अंदर ढाक के दरवाजे बंद कर दे गए के खल्लकत अबवाबा वकालत हाय तलाक, दरवाजे बंद कर दे गए। आखिर क्योंकि अजीज मिसर दे घर आली आई वजीर दे घर आली ओ भी को मामूली औरत नहीं, मेकअप भी होंदा आला अज के आला होने, मेकअप भी होंदा आला, कपड़े भी रेशमी आने, जेवरात नाल आखिर लड़ी आनी है, औरत भी खूबसूरत औरत है, मिसर दिया आखिर हुसन भी मशहूर है, इन यूसुफ भी खूबसूरत है, वो औरत भी अपने खूबसूरत है, ज्यादा जितलावन वास्ते जेवरात भी जेबे तन किते हुए ने, रेशमी लिबास पाता है, शहाना लिबास जेबे तन किता है, दरवाजे बंद करे दी गई वह खल्ला कतिल अबवाब। इस वास्ते मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मसीह रहमतुल्लाह अलैह माना करें देन खल्ला कत इंदा माना है जेरे वेले ताला दे के वालाओं को झंझोड़ना, जिवें इंसान ताला दे के उनको थोड़ा हलें दे देखण कि नहीं खुलदा है कि नहीं खुलदा, बंद होए या नहीं बंद होया। खल्ला कतिल अबवाब बिल्कुल दरवाजा ना अबवाब दरवाजा को झटका दे दिए देखण सही बंद हो या नहीं बंद, जेरे बंद हो गए आखन लगी कालत है ताला को माना वो करा हूं कालत है तलाक, तवज्जो कर मेरे वाल है कि हाय तलाक हाय ता चलो मान मैं अपने सरे की ना करें हाय तलाक, तवज्जो करो यूसुफ यूसुफा तू मेरा जर खरीदे गुलाम है, मैं तेरी मालका जो कुछ भैया दे हाय तलाक मेहरबानी कर। काला माजल्ला माजल्ला वो एक सर इलाके का है वाग लगा ज़ुलैखा ताई भी यूसुफ पैगंबर को अं तक के का शाह को याद ही नहीं आके माजल्ला अल्लाह दी पना अल्लाह दी पना ना ना इन्नहु रब्बी अहसन मसवाजा इल्लहु रब्बी, मेरे रब ने रब्बी डूमा ने उनके दौर के अंदर वजीर मिसर कोई रब आधे होते हैं जरा जीज मिसर आई वजीर वो कोई रब आधे होते और चूंकि मालिक आई मालिक को रब आधे वो आखिर ये गुलाम आई इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया या तो मुराद ओ रब्बे उमे को केडा छठिकाना ता किते खू चो कट के बिरावा तमे को गुलाम समय के वे छोड़ा, लेकिन मेरे को अल्लाह ने कितना अच्छा ठिकाना दा के थे। वजीर दे घर दे अंदर रिहायश दा के थे, खावना भी शहाना है पावना भी शहाना है पीवना भी शहाना है, कितना खूबसूरत मकाम ते मर्तबा अल्लाह ने मेरे को अता के थे। या तो रब्बे तो मुरादे देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवानी दी हालत दे अंदर है, लेकिन नजर किनते ठिकाना मेरे को अच्छा देते या ऊ रब दे या ए मालिक मोरा दे के देखते को भी आखे इनको गुलाम समझ के ना रखे, इंकरेमी मसवाओ इंदा ठिकाना
جانور عزت نال بناوے، وہ میں کو گھر دے اندر رکھے، میں کو اپنا کھوائے سے، اپنا پوائے سے، اپنا پلائے سے، میں انہوں نمہ کرامی کرن واسطے تیار نہ۔ آئے اچھے انسان دی صفت یا ہونی چاہیے دی، جتھو کھاوے اتھاں پیشاب نہ کرے۔ آئے اکثر دوار میں مکالا ملیں دے بھی مسلمان ہے نا، ہوڑا مل باقی راہ سے نہیں ہو جائے، نمہ کھالا لی ہونی چاہیے دی۔ انہو ربی احسن مسواج، یا مراد رب میں کو اچھا ٹھکانا دیتے، یا مراد مالک میں کو کتنا اچھا ٹھکانا دیتے، سارے گھر دا بھی میں مالک ہاں، اچھا کھاون تے پیون۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم انسان کدے کامیاب، اے ظالم انسان جا کدے تلیاں نہیں لگ دیاں ہوندیاں، جیڑا بھی ظلم کرے آخر کار زہر ضرور ہوندے۔ میں ظالم نہ بن، اے تا ظلم ہے جیڑا کھواوے، جیڑا پلاوے، جیڑا رہائش دتی پائے، تے میں اون دی گھر علی دے اوتے اے ہاتھ اٹھاون دی کوشش کراں۔ نہ لا یفلح الظالمون، ظالم انسان کدے کامیاب نہیں ہوندا۔ والا قد ہمت بھی و ہما بہا لولا برہان ربی، اللہ رب اللہ فرمائے وہ تا ارادہ کر چکے آئے، یوسف خواہ شاید ارادہ کر چک دے، اگر میری دلیل نہ دے دے۔ آئے دلیل آخر نوجوان آئین شاہ کے ارادہ کار چک دے، لیکن اگر میری دلیل نہ دیکھے نا، دلیل مفسرین کرام مختلف لکھیئن، اللہ ہی بہتر جان دے۔ اللہ نے جو مبہم رکھے دلیل کو، کہری دلیل لکھن اللہ تا لکھے کہ جیرے ویلے وہ ارادہ دروازے بند کے تین، زنادہ جیرے ویلے آڈر جارے کے تین، باز لکھ دین یوکوب علیہ السلام دی شکل سامنے آ گئی، باز لکھ دین آیت لکھے گڑی لا تقرب الزنا، زنا دے نیڑے نہیں وجنا، بازا دن جیرے وے لے آؤ ارادہ کرن لگے ہوں دا ایک بت الہ بنایا ہے، بڑھافٹی کھڑا ہے، وہ اپنی چادر تے چنی ہوں دے ہوتے رکھیے تاکہ میڑا الہ تا نہ دیکھے۔ جیرے یوسف پیغمبر اٹھے ایک کوڑے الہ کن چھپنا چاندیے، میں سچے کن کی میں ہی آ نہ کراں۔ آئے وہ دا نظریہ ہی، اگر کپڑا آ ونجے تا دیکھو اے مسلمان ہے کفانی منہ تے، اچھا چلا چھوڑا دفن بھی کر کے پیا دے، کئی صدیاں بھی گزر گئی ہیں، پتہ بھی کہانی قبر دی نشان دینے ادھے ادھے وات بھی ہون بھی دے دا پائے، اللہ انشاءاللہ سب سندا ہی پائے، جاندا ہی پائے، جواب دیندا ہی پائے۔ تے اللہ دے لا ان تدوہم لا یسمعو دعاءکم، ایدہ مانا آپ کرائے، لا یستجیب الذین، اللہ کیا کہ نہیں جواب دین دے ہو جرے مردہ ہے نا، مردہ جواب نہیں دین دے، نہ جواب دین دے نہ سن دین۔ قرآن دا فیصلہ اے ہے، انہی دے مقابلے کوئی مولوی آ کے قرآن دی منے سو یا مولوی دی، آ فیصلہ کر، قرآن مقدم ہے یا مولوی مقدم ہے، قرآن مقدم ہے یا مولوی پیر مقدم ہے، قرآن مقدم ہے یا بزرگ مقدم ہے، قرآن مقدم ہے یا استاد مقدم ہے، خود فیصلہ کرو۔ اللہ رب اللہ فرمائے لا ریب بیعیب کتاب میری فحکم بینہم، فیصلہ کرے تا کیری کتاب نال، قرآن اللہ تورات دا نہیں آکھا، زبور دا نہیں آکھا، حالانکہ آسمانی کتاب ہن کے نہیں، قرآن دے بارے دے اندر فرمائے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم ال، آکھو حافظ موجود نہیں وے ڈر دے وے ہن، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون، مختلف الفاظ ہیں نہیں، جیرا انسان کو سالس تے جھج نہیں منے دا، آدھے ٹھیک ہے آگتے سجدی کتاب آخری کتاب منے دا، لا ریب تے بے عیب کتاب منے دا، لیکن جرے مسئلہ آدھے آدھے نہیں، اے بھی حق ہے لیکن منے سا اپنے بزرگاں دے
जो कुछ ऊ लिखे फतवा, जो कुछ ऊ लिखी है किताब, जो कुछ ऊ आख छोड़े मैं उनको मनन वास्ते तैयार हाँ। ठीक है मैं मने दाखरी किताब है इंदा एक एक लफ्ज देवते डाहने क्या, एक एक हारो देवते डाहने क्या, बड़ा सवाब है इंदा देखना सवाब है, इंदा पढ़ना सवाब है, इंदा तिलावत करना सवाब है, इंदे नाल मुर्दे बशकाए वेंदे रहंदे न, इंदे नाल मर्दाना पिया होए तो आसानी नाल मर पौंदे ये नहीं। लेकिन जेरे मसला इंदा दया दे नहीं सही, मैं पूछता पहले उन्होंने अल्लाह क्या के मल्लम या